स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह के रूप में मना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि विवेकानंद जी जो थे वह युवा नेता के रूप में भी विख्यात थे। तो आज हम लोग फ्री कैंप लगाए हुए हैं। तो इसमें मेन कैंप में क्या है कि ठंडा के दिनों में क्या होता है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर है एक साइलेंट किलर है जो भीतर पड़ा रहता है, लोग को मालूम नहीं चलता है, और एक ही बार क्या करता है वो किडनी फेल कर देता है, हार्ट अटैक कर सकता है, हार्ट फेल्योर कर सकता है, ब्रेन अटैक कर सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गेन फेल्योर हो सकता है, आंख की रोशनी कम हो सकती है। तो इसलिए जितने भी डायबिटीज के मरीज है उनसे निवेदन है कि कम से कम ठंड के दिनों में या हमेशा जब तक जीवन है तब तक रेगुलर जांच कराएं और शुगर को अपने कंट्रोल में रखें, शुगर और ब्लड प्रेशर को अपने बस में रखें, उसके बस में नहीं होइए। यदि आप उसके बस में होइएगा तो वह आपका आंख किडनी लीवर सब खराब कर देगा और अंततः आपका पतन हो जाएगा। इसलिए सबको ध्यान में रखना चाहिए कि शुगर और ब्लड प्रेशर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और यह जड़ से खत्म नहीं होता है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने में ही भलाई है, और कंट्रोल करके आप एक लंबा जीवन जी सकते हैं। जिसको बीपी और शुगर है वह 100-100 साल तक, 70-80 साल तक जिंदा है। कैसे वह अपने शुगर को बीपी को मेंटेन करके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बीपी और शुगर का दवा जो चलाते हैं तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना में अपने आप यह सोच लेते हैं कि दवा से हमारा बीमारी ठीक हो गया है, अब कंट्रोल में रह रहा है, अब इसको हम छोड़ दें। और इसी गलत फहमी में क्या होता है कि एक ही बार शुगर 500, 600, 800 हो जाता है और हमारा कोई ना कोई अंग खराब हो जाता है और हम सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो मेरा डरवाने का मकसद नहीं है, हम यह आपको अवेयरनेस करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि जिनको भी शुगर और बीपी है वह रेगुलर निश्चित तौर पे दवा ले और हर 3 महीना में एक बार डॉक्टर से जांच कराएं, अपना पूरा चेकअप कराएं कि शुगर के चलते या हाइपरटेंशन के चलते कोई दूसरे अंग में, किडनी में, हार्ट में खराबी तो नहीं आ रही है। आज जो हम लोग कैंप लगाए हैं भारत विकास परिषद के द्वारा, वहां पे एक आए हैं असलम जी, इनको हाई शुगर है, तो इन्हीं के लिए हम लोग बात किए थे कि इनको खास करके युवा है और अभी जवान आदमी है, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, इससे लड़ना है और आपको रेगुलर दवा का यूज करना है। करना क्या है कि दवा का यूज करना है और जिस दवा डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं उस डॉक्टर की निगरानी में हर 3 महीना पर एक बार चेकअप कराना है। इसके साथ खुदराई नहीं करना है, हम लोग बिहार में क्या करते हैं, खुदराई करते हैं, खुदराई नहीं करना है, मतलब कि दवा खाते खाते छोड़ देंगे अपने मन से, कंट्रोल हो गया यानी कि ठीक हो गया, इसको हम लोग अपने बस में रखेंगे तो ये हमारे बस में रहेगा और इसके बस में हम होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत सारा अंग खराब हो सकता है। समझ आ रहा है ना? तो पहले का जो आप रिपोर्ट है लिख रही,